हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे मैंने सॉल्व करवा दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सारे बच्चों को मालूम होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते हुए आ रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ओके, पार्टनर्स फर्म में जो कैपिटल लेके आते हैं, फर्म उस कैपिटल पे उन्हें इंटरेस्ट पे करती है। ओके, समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, ओके, एंड पार्टनर्स के लिए इनकम होता है। ये बातें सारे बच्चों को मालूम होगी, सारे बच्चे अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही सिंपल पॉइंट है ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस होता है एंड पार्टनर्स के लिए इनकम होता है। पार्टनर्स जो कैपिटल लेके आते हैं फर्म में, उस कैपिटल पे फर्म उन्हें इंटरेस्ट पे करती है, उसे ही हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के 5 केसेस होते हैं। कितने केसेस होते हैं? 5 केसेस। ओके, एंड ये 5ों केसेस मैंने क्वेश्चन नंबर 33 में एक्सप्लेन किया है। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक ले लो। ओके, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वेश्चन नंबर 33 से क्वेश्चन नंबर 39 तक सारे क्वेश्चंस के लिंक मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 से 39 तक जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन लास्ट ईयर की बुक से मैच हो रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने लास्ट ईयर ही एक्सप्लेन किया था एंड इनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन न्यू है, क्वेश्चन नंबर 35। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 35 आज हम इस वीडियो में समझेंगे एंड और सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 33, 34, 36, 37, 38 एंड 39, ये सारे क्वेश्चंस मैंने लास्ट ईयर ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो इनके सॉल्यूशन की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो आप लोग वहां से देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर्स ज्यादा है, सारे चैप्टर्स से हमें क्वेश्चन करना है, सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, इसलिए जितने भी न्यू क्वेश्चन है मैं सिर्फ वही कंप्लीट करवाऊंगी, वही सॉल्व करवाऊंगी। बाकी जितने भी ओल्ड बुक से क्वेश्चन मैच कर रहे हैं उनका मैं लिंक आपको दे दूंगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 33 से 39 तक का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख लेना। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा हुआ है। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:1। पी एंड क्यू दो पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 10 लाख एंड 6 लाख। दोनों पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख एंड 6 लाख। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 12%। द पार्टनरशिप डीड फर्दर प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फुली इवन इफ इट विल रिजल्ट इन टू अ लॉस टू द फर्म। इसका क्या मतलब है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है फिर भी फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। समझ में आया आपको, मैंने क्वेश्चन नंबर 33 में एक्सप्लेन किया है। पहले आप लोग मेरा क्वेश्चन नंबर 33 वाला सॉल्यूशन देखना, उसके बाद 35 देखना। ओके, उसमें मैंने आपको बताया है जब भी फर्म का नेट लॉस हो उस केस में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं। ठीक, बट यहां पे लिखा हुआ है कि अगर फर्म का लॉस हो, अगर नेट लॉस आए फिर भी हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। समझ में आया, एक केस वो होता है कि जब फर्म का लॉस आता है उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देते हैं, ना ही हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। बट एक ये केस होता है, ये दूसरा केस है, ये दूसरा केस है। क्वेश्चन वाला केस समझिए, इसमें लिखा हुआ है कि जब फर्म को नेट लॉस होगा उस केस में भी हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है द पार्टनरशिप डीड फर्दर प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फुली इवन इफ इट विल रिजल्ट इन टू अ लॉस टू द फर्म। इट विल रिजल्ट मतलब कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अगर लॉस आ जाए फिर भी हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। देखिए इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इस केस में हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं बट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू नहीं देते हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू देते हैं।
कैसे? देखिए बहुत ही ध्यान से इसको सॉल्यूशन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ ले पहले हम। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 वाज 1,50,000। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000। यहाँ तो नेट प्रॉफिट आया है ओके। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे तो प्रॉफिट दिया हुआ है, फिर यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है कि लॉस आया फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। मैं बता रही हूँ ना कि नेट प्रॉफिट तो आया है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेट प्रॉफिट आने के बाद अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे और उस वजह से लॉस हो जाए फर्म को। समझिए मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, तब आप लोग अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को, ऐसे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 35। मैंने आपको बताया ना, जब भी ऐसा केस हो कि फर्म को लॉस हो रहा है फिर भी फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते हैं ठीक, हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बना लिया। अब देखिए आपके क्वेश्चन में जो ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट की एंट्री तो होती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बट यहाँ पे इस नेट प्रॉफिट की एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे ठीक। बाय प्रॉफिट 1,50,000 ओके। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी एंट्री हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। ऐसे तो आपने अभी तक पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, बट इस क्वेश्चन में जब ये लिखा हो कि फर्म को लॉस हो रहा है फिर भी फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी, उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं ठीक। यहाँ लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड क्यू। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। पी का कैपिटल कितना है 10,00,000 है, 10,00,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 12%, 12/100 1,20,000 एंड क्यू का कैपिटल है 6,00,000, 6,00,000 इंटू 12/100 6,000 इंटू 12 ही हो जाएगा 72,000। दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया ना, इसकी एंट्री हम यहां करेंगे 1,20,000 एंड 1,72,000। टोटल हो जाएगा ये 1,92,000। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको समझ में आएगा ये जो लिखा हुआ था इट विल रिजल्ट ओके। समझिए प्रॉफिट आया था हमारा 1,50,000 आया था ना, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा है 1,92,000 है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ था कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अगर लॉस हो जाए फर्म को फिर भी फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 33 का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने 3 केसेस एक्सप्लेन किए थे, 3 केसेस, तीनों अलग अलग केसेस है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ठीक। एक केस वो कि जब आपका नेट लॉस हो जाए तब आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हो। मैंने बताया था ना कि जब फर्म का नेट लॉस हो जाता है तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं देती है, ना ही फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है ठीक। केस वन हो गया ये, एंड केस सेकंड ये होता है कि जब प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है उस केस में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कैलकुलेट करते हैं एंड उस रेशियो में हम नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं एंड उसके बाद दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये एक और केस होता है, आपने सुना होगा क्वेश्चन नंबर 33 में आपने पढ़ा होगा, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन नेट प्रॉफिट। तो यहाँ देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेट प्रॉफिट से ज्यादा है, बट यहाँ पे हम वो वाला केस यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द पार्टनरशिप डीड फर्दर प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड फुली इवन इफ इट विल रिजल्ट इनटू अ लॉस टू द फर्म।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद अगर फर्म का लॉस हुआ फिर भी फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। ठीक, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से ज्यादा तो है बट फिर भी हम पार्टनर्स को देंगे, ओके, क्योंकि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक, डेबिट साइड का टोटल है 1,92,000 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 1,50,000, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 42,000। स्टूडेंट्स एक और बात, सारे बच्चों को मालूम होगा कि फर्म अपने प्रॉफिट में से ही पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट कम आया है एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा आया है बट फिर भी फर्म पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। तो ये जो एक्स्ट्रा 42,000 है ये फर्म अपने पास से ही तो देगी ना, प्रॉफिट तो सिर्फ 1,50,000 आया है, तो ये जो एक्सेस अमाउंट है 42,000 का जो डिफरेंस आ रहा है ये फर्म अपने पास से देगी एंड उसी को हम लॉस कहते हैं। क्रेडिट साइड कम बैलेंस है, यहाँ हो जाएगा बाई नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल दिया था ना तो करेंट अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे, पीस करेंट अकाउंट एंड क्यूज करेंट अकाउंट, समझ में आया आपको। अब इस 42,000 को हम दोनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 42,000 इंटू 3/4 ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 31,500 एंड 42,000 इंटू 1/4 ये हो जाएगा 10,500, ओके। यहाँ पे हम लिख देंगे 31,500 एंड 10,500। स्टूडेंट्स आप लोग का आंसर आ गया, आप लोग मैच कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 42,000, टोटल कर देंगे 1,92,000 एंड 1,92,000। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए हमें क्या करना था, हमें जर्नल एंट्री बनाना था, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म अलाउंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अमंग द पार्टनर्स। इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल एंट्री बनाना है एंड पार्टनर्स को जो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसका एंट्री बनाना है, बट उससे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना था। क्वेश्चन में आपके नहीं गिवन है बट फिर भी हम बनाएंगे, ओके। डायरेक्ट हम जनरल एंट्री बना नहीं सकते, डायरेक्ट आप जनरल एंट्री बनाओगे तो आपका रॉन्ग हो सकता है, इसलिए जब भी जनरल एंट्री बनाने के लिए दिया रहे तो आप लोग अकाउंट बना लेना, ट्रायल बैलेंस पहले बना लेना उसके बाद जनरल एंट्री बनाना, ओके, इससे जनरल एंट्री बिल्कुल करेक्ट बनता है। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से समझ लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कैसे करनी है। अब देखिए जनरल एंट्री बनाएंगे, सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनाएंगे, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट एंड डेबिट साइड में हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट टोटल कितना हो जाएगा 1,92,000 एंड 1,92,000। नरेशन क्या हो जाएगा, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम, ओके। फर्स्ट एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना, इसकी भी एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स ने रिसीव किया है, पार्टनर्स का इनकम हुआ है, तो इनकम्स के एंट्री हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना, दोनों पार्टनर्स का नाम हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस करेंट अकाउंट, आपके क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ था तो इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हम करंट अकाउंट में बनाते हैं एंड करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पीस करंट अकाउंट एंड टू क्यूज करंट अकाउंट। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा हो।
कितना हो जाएगा 1,20,000 एंड 72,000, टोटल हो जाएगा 1,92,000। नरेशन हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री हमने कर ली। उसके बाद लिखा हुआ है एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच जो हमने लॉस डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स को, इसकी भी हमें एंट्री बनानी है। तो लॉस आया है ना हमारा स्टूडेंट्स, इसका अगर मैं डायरेक्ट जनरल एंट्री बनाऊं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। स्टूडेंट्स अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आप पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में नेट लॉस की एंट्री किस साइड करते? डेबिट साइड में करते ना। नेट लॉस की एंट्री डेबिट साइड में होती है पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, सारे बच्चों को मालूम होगा। तो करेंट अकाउंट में वो डेबिट साइड में होती है, तो यहां पे क्रेडिट साइड में हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड डेबिट में पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जितने पार्टनर्स है उनका नाम हो जाएगा प्लीज करेंट अकाउंट क्यूज करेंट अकाउंट। ये वाली एंट्री आपको समझ में आई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहाँ होती है? पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में होती है ना, वहां क्रेडिट साइड में होती है। तो जनरल एंट्री में हमने डेबिट साइड में लिखा एंड क्रेडिट में पार्टनर्स करेंट अकाउंट हमने लिख दिया। एंड लॉस की एंट्री किस साइड होती है पार्टनर्स करेंट अकाउंट में? डेबिट साइड में होती है, तो वहां पे डेबिट साइड में होती है। तो जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड में हो जाएगा, हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया एंड डेबिट में पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ओके अमाउंट लिख देंगे, पी का आया था 31,500 एंड क्यू का आया 10,500, टोटल हो जाएगा 42,000। नरेशन हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट कर लिया। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 35 न्यू था, लास्ट ईयर वाली बुक में ये वाला क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 33, 34, 36, 37, 38 एंड 39, ये सारे क्वेश्चन सेम टू सेम लास्ट ईयर के बुक से मैच कर रहे हो। ओके तो लास्ट ईयर भी मैंने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताए थे, तो आप लोग मेरे लास्ट ईयर वाले वीडियोस देख लेना। ओके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके इजिली आपको लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहां से देख लेना। स्टूडेंट्स अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 33 to 39 अगर मेरे लिंक से देख लोगे ना, तो मेरे लिए बहुत हेल्प मिल जाएगी, आप लोग मेरी हेल्प करोगे। क्योंकि सेम क्वेश्चन को मैं दो बार अगर एक्सप्लेन करूंगी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। टाइम एक ही क्वेश्चन को दो बार एक्सप्लेन करना, लास्ट ईयर भी मैंने यही वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, इस साल भी मैं सेम क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, तो कोई मतलब नहीं बनता है। जो मेरा टाइम बचेगा उसमें मैं आपको न्यू क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करके दिखा दूंगी, ऐसे सारे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ओके सो स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग लिंक से ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लेना। आज हमने क्वेश्चन नंबर 35 कर दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। ओके एंड पास्ट एडजस्टमेंट में भी जो न्यू क्वेश्चंस होंगे ना वो मैं सॉल्व करवाऊंगी। ओल्ड क्वेश्चंस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ही कर लेना। ओके सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड ये भी बताइएगा कि आप लोग लिंक से ये सारे क्वेश्चन देख लोगे। ओके सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।